नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अमोदेवा फार्म पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा कागजी नींबू का खट्टा मीठा अचार कैसे बनता है। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहला पड़ाव होता है हमारे कागजी नींबू के खेत से ताजे नींबू तोड़ना। बड़े ही ध्यान से नींबूओं को तोड़ने के बाद उनको काटा जाता है, बीज निकाले जाते हैं और उसके बाद उनमें अच्छे से नमक मिलाया जाता है, कुछ इस तरह। नमक लगाने से नींबूओं का जो छिलका होता है वो गलना शुरू होता है और ये अपना रेशा छोड़ना शुरू करते हैं। कुछ दिन धूप में रखने के बाद जब नींबू तैयार हो जाते हैं तब इसमें मिलाए जाते हैं इसके मसाले, जैसे कि लाल मिर्च, चीनी, हींग और बहुत कुछ, जो देते हैं हमारे खट्टे मीठे नींबू के अचार को इसका लाजवाब स्वाद। सभी मसाले डालने के बाद हम इनको अच्छे से चला देते हैं ताकि एक एक नींबू की फाक में सभी मसाले का बेहतरीन स्वाद आए। सभी मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे एक कांच के बोट में, जिसमें हम इसको लगाएंगे अच्छे से धूप और इसको छोड़ेंगे पकने के लिए। भाई आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कुछ दिन धूप लगने के बाद अब हमारा ये नींबू का अचार तैयार हो गया है आपके घर जाने के लिए। तो अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे हमारे अमोदिवा के कांच के जार में। खाने में स्वादिष्ट और दिखने में जबरदस्त तो ये होता ही है, इसके अलावा हमारे कागजी नींबू के अचार के अनेक फायदे हैं। इसमें आपको मिलेगा भरपूर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और साथ ही साथ ये मदद करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने में। और हाँ, इसे बनाने की प्रक्रिया में हम बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करते। तो भाई देखी है कभी इतनी स्वादिष्ट चीज़ जिसके हैं इतने सारे गुण, नहीं ना? तो सोच क्या रहे हैं, आज ही ऑर्डर करें amodiva.com से। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं आप सभी अपना अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।